अंबरनाथ, सोनू बांगर यांना। आदरणीय आंबेगावचे समाजसेवक गजानन भाग्यवंत साहेब इथे उपस्थित आहेत आणि साहेबांचे इथे आपण सन्मान करूया आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती। थैंक यू सो मच रोशन। जमलेल्या माझ्या तमाम लाडक्या प्रेक्षक वर्गांचं त्याचबरोबर मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आपण मित्रांनो स्पर्धा या ठिकाणी एन्जॉय करतोय। एसपी ग्रुप चषक 2024 चं पर्व आणि साईनाथ पाटील फाउंडेशन आयोजित ही क्रिकेट स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय। तर मॅच या ठिकाणी सुरू, एका बाजूला जय कालेश्वर अंबे आणि त्यांना फाईट करतोय खरट संघ। तात्याचा बॉल यावेळेस मात्र चेंडूला पाठवलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, बिगिट षटकार। माननीय चैनू जाधव साहेबांचं आगमन झालं आणि विलाजी पाटील साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित होते। त्यांचं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत असेल एसपी ग्रुप चषकामध्ये। तर टीमची टोटल एकूण स्कोरबोर्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते, एकूण चेंडू झालेत अक्षय या ओव्हर मधील 5 धावसंख्या, धावफलकावरती 12 आपल्याला पाहायला मिळतात। षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्लेचा मार्ग असताना गोलंदाज तयार। यावेळेचा चेंडू समोर खेळून काढलाय, लॉंग ऑफला खेळाडू उपस्थित, एक रन कंप्लीट आणि दुसरीचा प्रयत्न करतात परंतु नकार दिलाय दुसऱ्या एंड खेळाडूंना आणि ओव्हर समाप्त होते। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर खरं टीमची धावसंख्या पोहोचली आहे 13 या आकड्यावरती। डी सेकंड प्रेक्षक वर्ग देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेत आणि रोशन आम्ही नेहमी सांगत असतो नाईट रजनी मध्ये फुल एन्जॉय करत असतात आमचे प्रेक्षक वर्ग। आणि प्रेक्षक वर्ग देखील 3 प्रकारचे असतात अक्षय, हौसे, गौसे आणि नवशे। जे हौसे असतात त्या हौसेने क्रिकेट पाहण्यासाठी येतात, जे नवशे असतात ते आपल्या टीमसाठी काही ना काही नवस घेऊन येतात आणि जे गौसे असतात त्यांचा आणि क्रिकेटचा काही एक संबंध नसतो, क्योंकि पीने वाले को मौका चाहिए। आणि तेच दर्दी प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी उपस्थित झाले, सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। ओव्हर समाप्त, पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये 13 धावा, दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात गोलंदाज जगदीश भाग्यवंत, टीमचा सर्वात सिनियर खेळाडू, अनेक साऱ्या स्पर्धा अनेक वर्ष या खेळाडूने आंबे टीमला दिली आणि तोच खेळाडू गोलंदाजी मार्गमध्ये सज्ज होतो आणि स्ट्रायकिंगला फलंदाज अपकमिंग टॅलेंटेड यंगस्टार मयूर म्हात्रे। सन्माननीय शरद भोईर साहेबांच्या शुभाशय शुभ सन्मान केले जातील आमच्या व्यासपीठावरती। शरद भोईर साहेबांचा सन्मान आपण करूया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये। शिवनाथजी गायकर साहेबांच्या शुभाशय आपण शरदजी भोईर साहेबांच्या ठिकाणी तुझे सन्मान करतोय आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये। आणि यावेळेचा चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय चौकार, आणि चौकार बरोबर टोटल धावसंख्या अक्षय आम्हाला माहिती देतील 17 या आकड्यावरती। गणेश सुपर टायमिंग डीजे मास्टर गणेशच्या माध्यमातून देखील धावसंख्या एकूण 17 धावा स्कोरबोर्ड वरती। ओव्हर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस, गोलंदाज जगदीश तयार। यावेळेचा चेंडू ऑप्शनच्या लाईन वरती ठेवण्यात आला आणि इथून शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गोलंदाज जगदीशचा, सफल देखील ठरलाय। डॉट बॉलची समाप्ती ते पाहायला मिळेल। स्ट्रायकिंगला फलंदाज
मयूर मात्रे ऑन स्ट्राइक ज्याच्या बॅटमध्ये दोन चौकार आणि एक षटकार आपण पाहिला, तोच सलामीवीर ओपनिंग ब्लास्टर स्ट्राइक नंबरती पाच खेळाडू तीस गज घेऱ्याच्या बाहेर पाहायला मिळतात. पॉवर प्ले समाप्त झालं, पॉवर प्ले मध्ये एकूण 113 धावा आल्या आणि आता देखील सुरुवात चांगली केली आहे. यावेळेस फटका मिस्टामिंग एक्स्ट्रा कव्हरला खेळाडू उपस्थित, जोपर्यंत चेंडूची फेकी करतील तोपर्यंत रन्स मिळाल्या दोन आणि दोन ने टोटल पुढे सरकेल 19 या आकड्यावरती संघ पोहोचलाय. करट संघ करट बनाम जय काळेश्वर अंबे या दोन टीम मध्ये ही लढत आपण एन्जॉय करतोय आणि ठीक 11 वाजायला आलेत अक्षय आपण पाहतो आणि प्रेक्षक वर्ग देखील मोठ्या संख्येने आतापर्यंत उपस्थित आहेत. सर्वांचं आम्ही करतोय कौतुक आणि मनपूर्वक स्वागत. यावेळेस ऑन साईडला पाठवलाय बॉलला, काढ होते उपस्थित, फक्त प्रेक्षक म्हणून उभे राहतील. चेंडू माउंटलाईनच्या बाहेर बिगिट षटकार. आयबॅकसाठी जे पारितोषिक असेल 500 रुपयाचं, जर झेल प्रेक्षक वर्गांनी टिपली असेल तर आपण या आणि कॅश प्राइज घेऊन जायचं. आपण आयबॅकसाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आणि जे लकी प्रेक्षक वर्ग असेल ज्यानं तो झेल टिपलाय त्याला देऊया आपण 500 रुपये. म्हणजे आजची रात्र त्यांची जरूर सुटली जाईल. शक्ती पाटील यांच्याकडनं ते पारितोषिक लावलं गेले. अजून एक आणि खेळाडू उपस्थित, यावेळेस मिस्टामिंग आणि झेल ड्रॉप. मयूर त्या ठिकाणी होत्या, मयुरेश त्या ठिकाणी होता आणि मयुरेश करणं फार कमी चुका आपण पाहिलं. तर बोरपेगावचे मनोज भोईर साहेबांचं देखील आगमन झालं आणि रामचंद्र भोईर साहेबांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. चला ज्या प्रेक्षक वर्गाला झेल टिपल्या आपण या आणि शक्ती पाटील आमचे त्यांच्या माध्यमात ते कॅश प्राइज लावलं गेले आयव्हा कॅश साठी आणि ते पारितोषिक या ठिकाणी देण्यात येईल. आदित्य भाग्यवंत एक्झॅक्ट आंबेगावचे ते आणि त्यांना हा झेल टिपला आहे त्याला देतो आम्ही 500 रुपये. सर अजून एक षटकार आलाय. रमेश मात्रे सर आज जरा आपण पाहिलं अँग्री मध्ये दिसतायत, लेकिन आज भी हम कहते हैं अक्षय रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया. तर चला ड्रिंक्स ब्रेक झालं आणि पाणी घेऊन जायचं मैदानाच्या आतमध्ये. दोन ओव्हरचा खेळ देखील समाप्त. जगदीश भाग्यमेचं षटक देखील मागडं राहिलं, 19 धावा त्यानं खर्च केल्या आणि पहिल्या दोन षटकामध्ये टीमची धावसंख्या पोहोचली. गावदीप करड 31 लॉस ऑफ विदाउट लॉस ऑफ 32 धावा धावफलकावरती बिनगडी बाद डीजे. दादा पाटील यांच्यासाठी एक सप्रेम भेट या ठिकाणी देण्यात येईल. जयंतशेठ बोडके या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि दादांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा आमचे लाडके आयोजक साईनाथ दादा पाटील यांना विशेष सप्रेम भेट या ठिकाणी देण्यात येते. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये ही भेट या ठिकाणी सप्रेम गिफ्ट आपण पाहू शकतो. स्वीकारत असताना आमचे आयोजक साईनाथ दादा पाटील जयंतशेठ बोडके या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचे तमाम सहकारी उपस्थित आहेत आणि मित्र परिवार त्यांचं उपस्थित आहे. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आम्ही केलं आणि त्याचबरोबर आता त्यांच्याच माध्यमातून ही भेट वस्तू या ठिकाणी देण्यात येते ती साईनाथ दादा पाटील यांना. छत्रपती शिवरायांची या ठिकाणी फ्रेम फोटो फ्रेम या ठिकाणी देण्यात येते आणि साईनाथ दादा पाटील यांना आपण पाहू शकतो ही भेट देण्यात येते ती जयंतशेठ बोडके यांच्या माध्यमातून त्यांचे समाम सहकारी यांच्या वतीनं त्यांच्या समेत सर्व मित्र परिवार या ठिकाणी उपस्थित झाला आणि जयंतशेठ बोडके या ठिकाणी ही सप्रेम भेट देत असताना साईनाथ दादा पाटील यांना थँक्यू सो मच. जयंतशेठ बोडके यांचा आम्ही विशेष आभार व्यक्त करू आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेला दिल्याबद्दल आणि या स्पर्धेला भेट दिल्याबद्दल. नाव बॅक टू क्रिकेट अक्षय आपण वळूया मॅच कडे. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात होती आणि गोलंदाज
ऋतिकाला स्ट्राइकर वरती पहिल्यांदा सचिन आपल्याला पाहायला मिळेल. सचिन मात्र ऑन स्ट्राइक. पहिला बॉल, पहिला चेंडू आपण पाहिलं कमी गतीचा होता, स्लो आला थोडासा चेंडू आपण पाहिला आणि अगोदरच बॅटचा पेस ओपन केला. फलंदाज सचिन बीट होत आहेत पूर्णपणे. डॉट बॉलची समाप्ती इथे पाहायला मिळेल. सुरुवातीला इम्प्रेस केलं मयूर मात्रेनं, खूप चांगली बॅटिंग केली आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये देखील मोठे स्ट्रोक, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये जगदीशला देखील त्यानं 29 धावा ठोकल्या. राऊंड द विकेट, यावेळेस पुन्हा एकदा क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला परंतु संपर्क व्यवस्थित बनत नाहीये आणि लेग बाईटचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. सिंगल बरोबर टोटल धावसंख्या पोहोचली आहे स्कोरबोर्ड वरती 33 आकड्यावरती संघ पोहोचलाय. गावदेवी खरड सेकंड वरती फलंदाज सेट, बॅट्समॅन आता आलाय मयूर मात्रे. 12 चेंडूचा सामना त्याने केला आणि वैयक्तिक 32 धावसंख्येवरती तो बॅटिंग करतोय. स्पर्धेमध्ये आजच्या दिवसामध्ये अक्षय अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळेल का हा देखील प्रश्न आता मैदानावरती निर्माण झालाय. तर अजून बरेच चेंडू शिल्लक आहेत, एकूण 10 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण पाहिले गे तर 32 वरती बॅटिंग करतोय मयूर मात्रे हा फलंदाज. ओव्हर द विकेट, गती कमी, पुन्हा एकदा कमी गतीचे चेंडू येत आहेत आणि अगोदर थोडीशी घाई होती सचिनच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर आता मयूरने देखील 30 घाई केली आणि अजून एक हा डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा सज्ज होतो गोलंदाज ऋतिक. सेकंडपती फलंदाज सेट, बॅट्समॅन मयूर ऑन स्ट्राइक. यावेळेस लॉब केला ऑन साइडला, प्रॉपर कनेक्शन, स्वीट साउंड ऑफ द बॅट, बॉल जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिग हिट षटकार. लगातार आक्रमण आपण पाहू शकता, व्हेरी गुड बॅटिंग. त्याच दरम्यान व्यासपीठापती आगमन होते सन्माननीय, आपण पाहतोय विद्यमान नगरसेवक सचिन दादा पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झाले आणि त्यांचं करूया आपण या स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत. सुस्वागतम व्यासपीठापती सन्माननीय विद्यमान नगरसेवक सचिन दादा पाटील यांचं आगमन झालंय आणि दादांचं करूया आपण मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. षटकऱ्यांसाठी प्रवीण मात्रे यांच्याकडनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल आणि एकूण स्कोर अक्षय 49 धावा स्कोरबोर्ड वरती. या ओव्हर मध्ये देखील मागडी गोलंदाजी राहिली. अक्षय एक्झॅक्ट काउंट करतील आम्हाला सांगतील. 17 धावा या ओव्हर मध्ये आल्यात आणि एकूण धावसंख्या मयूर मात्रे खेळतोय वैयक्तिक 48 या धावसंख्येवरती तो बॅटिंग करतोय आणि अर्धशतकासाठी फक्त 2 धावेने दूर असेल. चला नेक्स्ट मॅच असेल, सेकंड डाऊनचा सामना असेल आणि ब्राह्मण करुले टीमचे कॅप्टन, मांगरू टीमचे कॅप्टन आपण सज्ज राहायचे टॉस साठी. 3 ओव्हरचा मॅच असेल, लास्ट ओव्हर शेवटचं षटक असेल आणि शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाज महेंद्र भाग्यवंत
सलामी जोड़ी खास कर मयूर मात्रे ने का जबरदस्त बैटिंग के लिए अद्याप अपन पाहिलं कालच्या दिवसामध्ये देखील अर्धशतक नाही आहे परंतु आजच्या रात्रीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला अर्धशतक पाहायला मिळेल का फलंदाज मयूर मात्रेकडनं स्ट्रायकरला फलंदाज सचिन यावेळेस पुन्हा एकदा पहिलाच बॉल हवेमध्ये खेळाडू उपस्थित आणि प्रयत्न चांगले केले खेळाडूनं जयेश त्या ठिकाणी होते आणि आपल्या टीमसाठी जयेशनं धावा जरूर वाचवल्यात वेट केलं वाट पहिली बॉलची आणि एक्झॅक्ट बॉडी बॅलन्स सावरला आणि बॉलला आतमध्ये पाठवलं एकूण धावा मिळाल्या सिंगल सिंगल बरोबर टीमची टोटल 50 कंप्लीट होते 50 धावा स्कोरबोर्डवरती पूर्ण होत्यात गावदेवी खरड आहे टीमच्या आणि आता अर्धशतकापासून दोन धावेने दूर तो खेळाडू मयूर मात्रे ऑन स्ट्राईक महेंद्र तैयार गोलंदाजी मार्क वरती स्ट्राइक केला फलंदाज मयूर मात्रे ऑन स्ट्राइक काय जबरदस्त बॅटिंग केली मयूरनं 50 कंप्लीट होईल का संघाचा अर्धशतक कंप्लीट झालंय ओव्हर द विकेट यावेळेस बॅकफुट वरती गेले रूम बनवून खेळण्याचा प्रयत्न जागा बनवली होती फटका खेळायचा होता दुसरा ऍक्शन दाखवून देत असताना स्वीपर कव्हरला परंतु अजिबात संपर्क नाहीये डॉट बॉलची समाप्ती अजूनही चार चेंडू या षटकातील शिल्लक असतील ओवर द विकेट ऑन साइडला लॉफ करण्याचा प्रयत्न पॅड वरती चेंडू बदलतोय पण सांगत असताना हाइट फॅक्टर जास्ती आहे आणि त्यात मुलं लेग बायचा इशारा आणि लेग बायच्या माध्यमातून धाव आली आहे 51 धावा धाव फलकावरती सायकलला फलंदाज सचिन येतोय चला वेळ जास्त घेऊ नका आपण जय कालेश्वर आंबे टीम स्पीड अप करून खेळायचं आपण जास्त वेळ आपण घेऊ नका आणि जागृती स्पोर्ट दिशा 11 ब्राह्मण कर्वे टीमचे कॅप्टन देखील आपण जॉईंट व्हायचं लगेच ओव्हर द विकेट आडव्या बॅटनं खेळतात फटका चांगला आहे यावेळेस स्क्वेअर लेगला खेळाडू उपस्थित दुसरीचा प्रयत्न आणि पाहता पाहता दोन धावा कंप्लीट होत्या स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न केला जातो मयूरला आणि त्यामध्ये ती स्ट्राईक मिळतीये फलंदाज ह्या ठिकाणी बाद असेल रनआउटच्या स्वरूपानं सचिन बॅक टू द डगआउट पहिला धक्का खरं टीमला डीजे खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आमचे मित्र आशिष मात्रे आलेत जे एक चांगले खेळाडू आहेत त्याचबरोबर आपण पाहिले चांगले समालोचक देखील आहेत आशिष मैदानाच्या आतमध्ये इनॅट नंबर 3 तिसऱ्या क्रमांकावरती दोन चेंडू शिल्लक अद्याप 3 दोन धाबेची गरज आणि यावेळेस मात्र एज लागतीय फलंदाज बाद कॉट बियांच्या स्वरूपानं मयूर मात्रेची केळी संपुष्टात जावेदचं योगदान त्यानं दिलं आणि तो आता मात झालाय आणि शेवटचा चेंडू या शेवटच्या षटकात शिल्लक असेल अंतिम ओव्हरमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली महेंद्र भाग्यवंत घडणं कारण की आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा दुसऱ्या षटकामध्ये देखील 19 त्यानंतर तिसऱ्या षटकामध्ये 17 धावा आल्या तिन्ही गोलंदाजांनी मागडी गोलंदाजी केली
परंतु या षटकामध्ये विकेट आले त्यानंतर धावा देखील रोखल्या गेल्या. टोटल धावा आपण पाहिलं महेंद्रने खर्च केला फक्त 4 धावेचा षटक आदळला आणि सफलता प्राप्त केल्या 2 या ओव्हर मध्ये. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बॅटिंग करत असताना एकूण गावदेवी खरंच टीम पोहोचली आहे फलकावरती. 53 धावा आणि 54 धावेचं लक्ष असेल जय कालेश्वर आंबे या टीम समोर. थँक्यू कुशल नगर सेवक आदरणीय सचिन दादा पाटील साहेब इथे उपस्थित आहेत आणि दादांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. सचिन दादा पाटील यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया या सामन्याचा. एका बाजूला क्रिशा 11 ब्राह्मण करवले आणि त्यांच्या समोर असेल स्वर्गीय निशांत 11 मांगरुळ आणि या पुढील होणारे सामने हे 3 षटकांचे असतील याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. काल देखील आपण तसेच सामने खेळवलेत आणि आज देखील तसेच सामने होणार आहेत. सचिन दादा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय आणि टॉस जिंकलाय ब्राह्मण करवले या संघाने. टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? निर्णय पेंडिंग आहे. नक्की शुभेच्छा असतील. आपण दादांचे इथे सन्मान देखील करूया. थोड्याच वेळापूर्वी नक्कीच सदामामा पाटील यांची उपस्थिती लाभली होती आणि आता मात्र सचिन दादा पाटील साहेबांची उपस्थिती लाभते आणि त्यांचे इथे आपण सन्मान करूया. एक दानशूर व्यक्तिमत्व आहेत, कार्यसम्राट, कार्यकुशल नगर सेवक आदरणीय सचिन दादा पाटील साहेबांचे इथे आपण विशेष सन्मान करूया आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती. दादा आपण आलात आणि या स्पर्धेची आपण शोभा वाढवली त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने साईनाथ पाटील फाउंडेशनच्या वतीने आपलं लाख लाख आभार. साहेबांचे शुभ असते आपण हा सन्मान करूया. आदरणीय रामचंद्र भोईर साहेब इथे उपस्थित आहेत आणि रामचंद्र भोईर साहेबांचे इथे आपण सन्मान करतोय. त्यानंतर मनोज भोईर साहेबांचे इथे आपण सन्मान करूया. एसपी ग्रुप चषकामध्ये मान्यवरांची मांदी आली आपण पाहतोय. आपल्या भारताची परंपरा आहे अतिथी देवो भव, प्रत्येक पाहुण्याचं देवाप्रमाणे स्वागत आणि सन्मान करणं ही आपल्या भारताची परंपरा संस्कृती आणि ती परंपरा जोपासली जाते. सामना असेल 3 षटकांचा आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे. माजी ग्रामपंचायत सदस्य आहेत आदरणीय मनोज भोईर साहेब आणि त्यांचे इथे आपण सन्मान करतोय आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती. या पुढील होणारे सर्व सामने हे 3 षटकांचे असतील. काल देखील त्याचप्रमाणे आपण सामने खेळवलेत आणि आज देखील, उद्या देखील आणि परवा देखील त्याचप्रमाणे सामने खेळवणार आहोत. कारण की एकूण 4 स्पोर्ट सायकल आहेत आणि ही 2-व्हीलर बाईक आहे. मॅन ऑफ द सिरीज साठी 2-व्हीलर बाईक आणि 4 स्पोर्ट सायकल आहेत. यस, सेकंड इनिंगला सुरुवात होते. ऐकूया आपण पुन्हा एकदा आवाज अंबरनाथचा, व्हॉइस ऑफ पालेगाव, आमचे अत्यंत जवळचे मित्र सोनू बांगर यांना. नक्की सुवर्ण संधी आहे आंबे या संघाला. समोर महेश दादा गायकवाड यांचा नक्कीच साहेबांचा कटआउट आहे, बॅनर आहे. त्याला जर डायरेक्ट हिट केलं तर 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. 2 वेळा हिट केलं 1000 आणि 2 वेळा हिट केलं तर 1000 रुपये. 3 वेळा हिट केलं 3000 आणि 3 वेळा हिट केलं तर 3000 रुपये. क्या बात आहे.
महेश दादा गायकवाड़ साहेबांचा कटआउट आहे, त्यांच्या शुभहस्ते काला पण उद्घाटन सोहळा पार पडला या स्पर्धेचा। यस ओ टू कॉम्बॉक्स सोनू बांगर। थैंक यू सो मच रोशन संते, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों चलते हैं मैदान के ऊपर, फिर से एक बार सभी दर्शकों का हम इस दूसरी रात्रि में इस प्रतियोगिता के हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मंच के ऊपर हमारे बिल्कुल जयेंद्र शेठ बोर्ड के भी यहाँ पर आ चुके हैं, उसके बाद में आप देख सकते हैं सचिन दादा पाटिल, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो मुकाबले की बात करेंगे, रोशन अंबे बनाम करट के बीच में चलता हुआ मुकाबला, और पहले बल्लेबाजी करते हुए खास करके देखा जाए मयूर मात्र ने शानदार बल्लेबाजी की, 48 रन की शानदार पारी खेली और टोटल रन बनाए कुल मिला के 53 रन और 54 रन का लक्ष्य के सलामी बल्लेबाज अंबे टीम के पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर। देवा भाग्यवंत और मच्छिंद्र भाग्यवंत पहला ओवर लेकर गेंदबाज आशीष मात्रे आते हुए पहली गेंद के ऊपर सिंगल आई और इस बार दूसरे गेंद के ऊपर लेग बाइस के माध्यम से ये दूसरे रन मिलते भी, टोटल रन संख्या 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लगते हुए फिर से एक बार गेंदबाज तैयार आशीष मात्रे। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये देख सकते हैं शॉट अच्छा है, पावर पे शुरू है, खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे उनके पहुंच से बाहर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, यह था अंबे टीम के लिए पहला शानदार चौका। आताबा बल्लेबाज मच्छिंद्र भाग्यवंत के बल्ले से टोटल की बात करेंगे तो टोटल पहुंची 6 के ऊपर, हर एक ओवर की बात करेंगे तो अक्षय 54 रन का लक्ष्य, 4 ओवर का मुकाबला, 13.50 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे जीत के लिए जय कालेश्वर अंबे टीम को। ये बड़ा मुकाबला, ये बड़ी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं दोस्तों, एसपी ग्रुप ट्रॉफी 2024 का पर्व और यहाँ पर यह दूसरी रात्रि और यह बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। राउंड द विकेट बैकफुट पे आते हैं, ऑन साइड में खेलते हुए इस बार स्क्वेयरली पे गेंद पहुंचे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को उठाए फेंके तब तक यहां पर एक रन कंप्लीट होता हुआ और सिंगल के माध्यम से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। जैसे बल्लेबाजी की बिल्कुल पावर पे की ओवर में मयूर मात्रे ने, वैसे बल्लेबाजी अब करनी पड़ेगी इस मुकाबले में देवा भाग्यवंत और मच्छिंद्र भाग्यवंत को, यानी कि पावर पे में बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। तो इसी दरमियान बिल्कुल मांगरूल गांव के सरपंच रवि दादा पाटिल, इनका भी आगमन हो रहा है, आइए मंच के ऊपर आपका फिर से एक बार हम इस प्रतियोगिता में स्वागत करते हैं। चलते हैं मैदान के अंदर, गेंदबाज तैयार आशीष मात्रे, स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे देवा भाग्यवंत। ये दोनों टीमें बड़ी है और आसपास की टीमें, यानी कि खरड़ और भाग्य आप देख सकते हैं जय कालेश्वर अंबे टीम। तो ये मुकाबला भी दोस्तों बड़ा, दर्शक भी काफी भारी संख्या में आते हुए उनका सभी काम स्वागत करते हैं। टॉपेज इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद और ये जजमेंट नहीं मिला खिलाड़ी को, इस बार 2 रन मिलते हुए। तो जयेंद्र शेठ बोर्ड के साहब बैठे उपस्थित झाले होते आणि त्यांनी अमूल्य वेळ आपला दिला, या स्पर्धेला भेट दिली, त्याबद्दल आपले विशेष आभार आम्ही व्यक्त करतोय, थैंक यू सो मच। तो इस गेंद के ऊपर 2 रन मिले अक्षय और टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 9 रन बन चुके। अब तक ओवर की बात करेंगे तो 5 गेंदें हो चुकी है, ये गेंदबाजी अच्छी हो रही है आशीष मात्रे के माध्यम से, बड़े हिट नहीं लगाने दे रहे, एकमात्र चौका लगाया बल्लेबाज मच्छिंद्र भाग्यवत ने, उसके बाद में अच्छा कमबैक अपनी टीम के लिए करते हुए गेंदबाज आशीष मात्रे। ओ ये देख सकते हैं स्ट्रांग अपील, कॉट बैंड की अपील की और अंपायर की उसने उंगली आसमान में, ये पहली विकेट मैदान से बाहर, बल्लेबाज देवा भाग्यवंत बैक टू द डगआउट। तो दीपेश जाधव या ठिकाणी उपस्थित असतील तर आपण या, दीपेश जाधव या ठिकाणी कुठे असतील तर आपण या।
तो चलते हैं मैदान के ऊपर। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या की बात करेंगे तो 9 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर आखिरी गेंद के ऊपर सफलता मिलती भी गेंदबाज आशीष मात्रे को चलता किया। बिल्कुल बल्लेबाज देवा भाग्यवंत हो, अब नए बल्लेबाज महेंद्र भाग्यवंत। जीत के लिए बात करेंगे तो टोटल यहां से आप रन बनाने अक्षय 18 गेंदों का खेल शेष और 45 रन की आवश्यकता होगी। ये मुकाबला बड़ा, ये प्रतियोगिता बड़ी है, अब इस मुकाबले में जरूर दोस्तों मजा आएगा। ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंच सकता है क्योंकि दोनों टीम में बड़े खिलाड़ी है और अच्छे गेंदबाज और एक तरफ अच्छे बल्लेबाज भी है। गेंदबाज तैयार होते हुए दूसरा ओवर सौरभ गोरे आते हुए ओवर की पहली गेंद राउंड द विकेट। ये शॉट अच्छा है, क्या बात है, बैटक स्ट्रोक और गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता बा और एक चौका। नक्की अशोक जी भाग्यवंत यांच्याकडून नक्की सुवर्ण संधी आहे आंबे संघाला सलगच्या 3 चौकारांसाठी 1500 रुपयांचं पारितोषिक आहे आणि सलगच्या 3 षटकारांसाठी 3000 रुपयांचं पारितोषिक या बाधे। तर जे मागे प्रेक्षक वर्ग बसलेत बघा, वरती बसलेत, त्या डोंगरावरती बसलेत, त्यांनी शेकोटी पेटवली आहे, ते आपण विजवायची प्लीज मित्रांनो, आणि तर आमचे आयोजक त्या ठिकाणी पोहोचतील आणि ती शेकोटी विजवली जाईल, तर आपणच विजवा प्लीज। प्रेक्षक वर्ग विनंती असेल जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गालबोट या स्पर्धेला लागणार नाही याची नोंद घ्या। थँक्यू, थँक्यू सो मच। तो ये गेंद अच्छी डिलीवरी, बिल्कुल यॉर्कर का प्रयास किया, गेंदबाज सौरभ है और अब तक बात करेंगे तो टोटल रन संख्या 14 रन बन चुके हैं। एजे ग्रुप इनकी तरफ से बिल्कुल यदि सौरभ विकेट हैट्रिक लेते हैं तो तब्बल 3000 का इनाम होगा सौरभ गोरे के लिए। ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार सौरभ, 14 रन बन चुके राउंड द विकेट। ये देख सकते हैं आप डांडी गोल करते हुए, यानी कि विकेट का पतन होता बा बल्लेबाज के पारिकांत चलता किया बल्लेबाज मचिंद्र भाग्यवंत को और एक विकेट मैदान से बाहर। बताते हुए डीजे मास्टर डांडी गोल होते भी और बल्लेबाज आउट होने वाले बल्लेबाज देवा भाग्यवंत होंगे और पिछली विकेट गई थी मचिंद्र भाग्यवंत की। जबरदस्त गेंद, बिल्कुल यॉर्कर का प्रयास किया, लेग स्टंप पूरी तरह से उखाड़ दिया गेंदबाज सौरभ गोरे ने और यह सफलता अर्जित की। 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम जय कालेश्वर अंबे अच्छी गेंदबाजी का भी खरत टीम की ओर से। अब जीतने के लिए यहां से 40 रन की आवश्यकता, मुश्किल घड़ी है बिल्कुल यहाँ पे इस मुकाबले में आप देख सकते हैं जय कालेश्वर अंबे टीम के लिए। लेकिन ऐसा हमेशा कहते हैं हम रोशन, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतकाम होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, जहां में लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। आपको यहां पर कोशिश करनी है। ये शॉट अच्छा है, लॉग ऑफ पे खेलते हुए सचिन आए, थोड़े से बिल्कुल फंबल होते हुए जब तक गेंद को उठाए फेंके, मौका था दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का और इसी 2 की मदद से टीम की रन संख्या आगे पहुंचते भी 16 के ऊपर। ओवर की बात करेंगे तो अब तक इस ओवर में गेंदे हो चुकी है 4 गेंदे अब तक हो चुकी है और ये अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर चौका लगा था, उसके बाद में गेंद वाइड आई, उसके बाद में डॉट गेंद विकेट और अब 2 रन आते हुए अच्छी वापसी अपनी टीम के लिए करते हुए सौरभ। यह भी यॉर्कर की गेंद थी, इस बार ऑन साइड में खेला स्ट्रोक, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद आशीष मात्रे वापस है, काफी तेजी से थ्रो आती भी और इस बार सिंगल और सिंगल के माध्यम से टोटल 17 के ऊपर पहुंचती भी। बड़ी हिट लगाने की कोशिश जरूर कर ली, विकेट गई है, अब यहां से रन नहीं आ रहे है जीत के लिए। अब भी बात करेंगे तो 37 रन की आवश्यकता है, मुकाबले में 54 का पीछा कर रही है टीम जय कालेश्वर अंबे। चलिए महेंद्र भाग्यवंत अब बल्लेबाजी करेंगे, ये बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हमेशा बड़े हिट लगाते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन अब क्या संकट मोचक की भूमिका अपनी टीम के लिए निभा पाएंगे बल्लेबाज महेंद्र भाग्यवंत, क्या बड़े हिट लगा पाएंगे आखिरी गेंद सिंगल लेंगे या फिर डबल की कोशिश या फिर बड़े हिट। गेंदबाज सौरभ गोरे तैयार राउंड द विकेट।
बड़े की कोशिश में थे लेकिन संपर्क नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति होती भी, दो ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या यहां से बात करेंगे तो 17 रन, दो विकेट के नुकसान के ऊपर टीम अंबे, और अब 12 गेंदे 37 रन की आवश्यकता। डीजे डोंबिवली महानगर पालिकेचे कार्यकुशल कार्य सम्राट नगर सेवक महेश दादा गायकवाड साहेबांचा बैनर आहे, कटआउट आहे, त्याला जर डायरेक्ट हिट केलं तर नक्कीच अशोक भाग्यवंत शाखा प्रमुख आहेत आंबेगावचे आणि त्यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक असेल। तर 12 गेंदे जीत के लिए बात करेंगे तो 37 की आवश्यकता। क्रिकेट में देखिए दोस्तों, बिल्कुल कोई भी लक्ष्य हम हमेशा कहते हैं मनुष्य के सांस से बड़ा नहीं होता, आपको कोशिश करनी है। यदि आने वाली दो ओवर यहां पर खरे टीम के पक्ष में गई, पहले ओवर में आशीष मात्रे ने 9 रन खर्च किए, एक विकेट चटकाई, दूसरे ओवर में सौरभ गोरे ने 8 रन खर्च किए, अब यहां से क्या तीसरे ओवर में टॉप गियर में आके बल्लेबाजी करेंगे महेंद्र भाग्यवंत और उनका साथ देने पहुंचे जयेश। अटैक करना पड़ेगा इस ओवर में बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों को, और अब ओवर नंबर तीसरा लेकर आते हुए विकास, 12 गेंदे 37 की आवश्यकता। मुकाबला कौन जीतेगा, बड़ी प्रतियोगिता हर एक का सपना है, इस मुकाबले में इस प्रतियोगिता में जीते और यहां से बिल्कुल आगे पहुंचेंगे तो सपना दोनों टीम का है, लेकिन जीतेगी एक टीम और उनका सपना पूरा होगा। ये कौन सी टीम होगी, जय कालेश्वर अंबे या फिर गाउदेवी खरड़, कौन सी टीम अगला मुकाबला खेलेगी इस मैदान के ऊपर। अभी मुकाबला बैलेंस, 12 गेंदे 37 की आवश्यकता। विकास तैयार होते हुए गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज जयेश ऑन स्ट्राइक, ओवर की पहली गेंद राउंड द विकेट, इस बार आउटसाइड ऑप्शन, अंपायर का फैसला वाइड आता था, ऑप्शन के काफी बाहर जा रही थी गेंद, वही बताते हुए अंपायर, और एक्स्ट्रा रन मिलते भी टोटल 18 के ऊपर पहुंचते भी। अब 12 गेंदे और 36 की आवश्यकता होगी। इससे एक बात है यार विकास, 12 गेंदे 36 का समीकरण, ये ओवर कौन से टीम के पक्ष में पहुंचेगा, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी होगी या फिर बड़े हिट आएंगे इस ओवर में। अराउंड द विकेट, फुल टॉस गेट, फायदा उठा नहीं पाए और खिलाड़ी वहां पर मौजूद बल्लेबाज के, चलिए थर्ड अंपायर को यहां पर रेफर किया गया। चला तीसरे पंच आमचे आले गेस आपण कुठे असेल ते तीसरे पंच या, आणि मी कहते दा रिव्यू बॅट्समन चा असेल का, यस अंपायर रिव्यू आहे, चला लगेच या अंपायर आमचे तीसरे पंच कुठे असेल तरी आयसा लगेच। तर चला आपण तीसरे पंच येतील आणि चेक करतील, तो तीसरे अंपायर की मदद से यहां पर टीवी स्क्रीन पे चेक किया जाएगा एग्जैक्ट गेंद हाइट फैक्टर की थी या फिर नहीं। बीमर के लिए यहां पर रेफर किया रमेश मात्रे सर, अंपायर है हमारे बिल्कुल मैदान के अंदर। टेन क्रिक का इनके माध्यम से बिल्कुल ये प्रतियोगिता कवर की जा रही है, अच्छी लाइव टेलीकास्ट शुरू है और यहां से फेल डिलीवरी, चलिए नो बॉल नहीं है और यहां से विकेट भी आएगी, बल्लेबाज आउट होते हुए जयेश बैक टू द डग आउट, फुल टॉस गेंद के ऊपर बल्लेबाज के पारिकान। डीजे
डीजे डीजे मास्टर गणेश भी बताते हुए जीतेगा भाई जिसमें होगा दम और यहाँ से 10 का दम दिखाते हुए बिल्कुल सभी गेंदबाज सभी खिलाड़ी गांव देवी खरड़ टीम के पूरी तरह से मुकाबले को खींचने की कोशिश जारी है और अब यहाँ से समीकरण बचा है 10 गेंदे 36 की आवश्यकता लगातार विकेटों का पतन देवा आउट हुए सस्ते में उसके बाद में आप देख सकते हैं मच्छिंद्र भी आउट हुए थे फिर जयेश पुल टॉस गेंद के ऊपर आउट हुए और अब महेश भाग्यवंत भी आउट होते हुए यानी कि अब दलदल में फंसी है टीम बिल्कुल जय कालेश्वर अंबे नए बल्लेबाज ऋतिक तो भूषण पाटिल इनकी तरफ से बिल्कुल 500 का इनाम होगा विकेट हैट्रिक के लिए विकास के लिए और यह हैट्रिक बॉल होगी यानी कि 2 गेंदे 2 विकेट चटकाए उन्होंने और क्या विकेट हैट्रिक ले पाएंगे गेंदबाज विकास 10 गेंदे और 36 की आवश्यकता नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे ऋतिक हैट्रिक बॉल राउंड द विकेट ये ऑन साइड में कहते हुए हैट्रिक यहां से चूकते भी वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद रन मिला एक सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है अब आपको बड़े लगाने ही पड़ेंगे और ये मुकाबला लगभग थोड़ा सा मजबूत होता हुआ गाउदेवी खरड़ टीम की ओर से यहां से जीत के लिए बात करेंगे तो अब 9 गेंदे और 35 की आवश्यकता होगी क्योंकि रन संख्या पहुंची है 19 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम जय कालेश्वर अंबे डेप्टी राइटी कॉम्बिनेशन अब महेंद्र आते हुए सेकंड के ऊपर बल्लेबाज के लिए विकास तैयार अराउंड द विकेट से अगली गेंद ये खराब गेंद थी यहां से विकेट कीपर नाराज होते हुए आशीष और अंपायर का पैसा व्हाइट बॉल अब टोटल में बढ़ोतरी टोटल 20 के ऊपर पहुंची 9 गेंदे और 34 की आवश्यकता अब भी वक्त गया नहीं है बिल्कुल अब भी यहां से यदि 2 बड़े हिट लगाते बल्लेबाज तब भी मुकाबले में वापसी कर सकती है जय कालेश्वर अंबे टीम ओ ये अच्छी गेंदबाजी गुडलेन स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दिया गेंद ने डॉट गेंद की समाप्ति अब 8 गेंदे और जीत के लिए 34 की आवश्यकता जैसे जैसे डॉट गेंदे आएगी वैसे वैसे इस मुकाबले में आगे पहुंचेगी टीम गाउदेवी खरड़ और पूरी तरह से दबाव में यहां पर रखेगी बल्लेबाजी कहते हुए जय कालेश्वर अंबे टीम को ये शॉट एडजस्ट स्क्वायर ऑफ द विकेट से खेला फुल टॉस गेंद और गेंद पहुंची इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर का फैसला 6 रन चलिए बल्लेबाज ने रिव्यू लिया बैट्समैन रिव्यू फिर से एक बार तीसरे अंपायर की मदद से बीमर यहां पर गेंद है या फिर नहीं चेक किया जाएगा इस गेंद के ऊपर 6 रन जरूर मिले अब भी देख सकते हैं बिल्कुल रिव्यू आपके पास यहां पर मौजूद था तो बिल्कुल रिव्यू लिया गया है ये सही समय पे बल्लेबाज महेंद्र भाग्यवंत इनके माध्यम से और चेक करते हुए हमारे अंपायर फेयर डिलीवरी होगी चलिए नो बॉल नहीं है 6 रन आते भी और इसी 6 की मदद से अक्षय 26 के ऊपर पहुंची टीम 28 की आवश्यकता अभी 7 गेंदे बची है मैंने पहले कहा था अक्षय यदि 2 बड़े हिट आते तब भी मुकाबले में वापसी कर सकती है ये पहला हिट तो लगा पाए बल्लेबाज अब आखिरी गेंद इस ओवर की ओ ये अच्छी गेंद वापसी करते हुए गेंदबाज विकास और ओवर की भी समाप्ति 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 26 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर अब आखिरी 6 गेंदे और 28 रन की आवश्यकता आठ रन 1 विकेट और अब भी यहां पर
उसी के तरह गेंदबाजी हुई, विकास के माध्यम से 9 रन 2 विकेटे, तीनों गेंदबाजों ने बिल्कुल इंप्रेस किया इस मुकाबले में। और अब आखिरी 6 गेंदे और 28 रन की आवश्यकता। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए विनायक स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज रुतिंग हो गए, जो अब तक 1 रन से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। चलिए वक्त आपको ज्यादा जाया नहीं करना है, आपको फील्ड सजानी है जल्द से जल्द। तो चलिए एजे ग्रुप इनकी तरफ से यदि मैडन ओवर आती है तो गेंदबाज विनायक के लिए 3000 का इनाम होगा। और द विकेट, और ये पहले गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद मिड विकेट में, 1 रन कंप्लीट। चलिए 1 रन आ चुका है, तो अब कैच प्राइज आपको लेना है। तो चलिए अब 3 विकेटों के लिए हो गए ये 3000 रुपए। और 5 गेंदे 27 की आवश्यकता, 5 गेंदे 27 रन। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है बिल्कुल लक्ष्य, ऐसे कई सारे मुकाबले हमने देखे, 6 गेंदे 32 रन बनते हुए हमने देखे, 6 रन 30 बनते हुए देखे, 6 गेंदे बिल्कुल 28 भी बनते हुए देखे। और अब यहां से गेंदे बचे 5 गेंदे, क्या 27 रन बन पाएंगे? तैयार गेंदबाज, विनायक इस ओवर की अगली गेंद, सेकंड पे बल्लेबाज महेंद्र, और ये पहली गेंद उठा दिए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ महेंद्र भाग्य बन के बल्ले से 6 रन। तो ये छक्का आता हुआ, अब भी यहां पर देख सकते हैं 4 गेंदे बची और 21 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। आपको लगातार बड़े हिट लगाने हैं और यही हिट आप पहले लगाते थे तो बिल्कुल ये मुकाबला अलग तरीके से देखने को मिलता था मैदान के अंदर, लेकिन अब भी कोशिश जारी है महेंद्र भाग्यवेद के माध्यम से, 4 गेंदे और 21 की आवश्यकता। यदि एकांत गेंद नक्शे 9 आती है या फिर उसके ऊपर भी बड़ी हिट लगती है तब भी मुकाबला बदल सकता है। क्रिकेट है दोस्तों, और एक गेंद सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी, और यह दूसरा लगातार छक्का। कहा था दोस्तों क्रिकेट लगातार 2 छक्के तो आ चुके, अब 3 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता। महेंद्र भाग्यवंत, मैंने पहले कहा ये हार्ड हिटर खिलाड़ी है, कभी भी मुकाबले को पलट सकते हैं, और आप यहां पर 2 छक्के लगाते भी और थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागती भी इस मुकाबले में जय कालेश्वर अंबे टीम के लिए। 3 गेंदे 15 की आवश्यकता, दबाव में होंगे आप गेंदबाज विनायक इस बार, क्योंकि 3 गेंदे और 13 रन उन्होंने खर्च किए। अब भी यहां से 3 गेंदे 15 की आवश्यकता, लहरों से तरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश जारी है मैदान के अंदर महेंद्र भाग्यवंत के माध्यम से, राउंड द विकेट, ये शॉट अच्छा इस बार ऑन साइड में कहते हुए सिंगल आते भी दूसरे के लिए पलटे, यहां से 2 रन कंप्लीट, क्या कर पाएंगे? और यहां से 2 रन कंप्लीट किए काफी तेजी से, अब गेंद बचिए 2 और यहां से 13 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग यानी कि आपको जीत के लिए 13 रन बनाने पड़ेंगे। अच्छी फाइट देते हुए आखिरी ओवर में बल्लेबाज महेंद्र, 2 गेंदे और 13 का समीकरण। यदि एकांत गेंद वाइड आती है ना तब भी मजा आएगा मुकाबले में, या फिर एकांत गेंद नो बॉल आती है। तो ये गेंद इस बार अच्छी गेंदबाजी, वापसी करते हुए गेंदबाज डॉट, गेंद शायद होगी बिल्कुल अंपायर कहते हुए, और ये अपील जोरदार की थी लेकिन अंपायर सहमत नहीं है, डॉट गेंद। तो चलिए आखिरी गेंद शेष, और यदि एक छक्का भी लगाते हैं तो अजय केने इनकी तरफ से 1000 का इनाम होगा महेंद्र भाग्यवंत के लिए। और लगभग ये मुकाबला अब जीतती हुई यहां पर टीम गाउदी खरड़।
और इस बार बल्लेबाज के पारिकांत मैच समाप्त और मुकाबला जीता गाउद बिखर टीम ने। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक, जय कालेश्वर अंबे टीम। चलिए लाइन अप करना है आपको, शेक हैंड करना है। जय कालेश्वर अंबे टीम प्रतियोगिता लाइव हम कवर कर रहे हैं। तो इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का हकदार जिन्होंने पहले बल्लेबाज करते हुए चौके छक्के लगाए अपनी टीम के लिए, 48 रन की शानदार पारी खेली, वो मयूर मात्रे बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का।